Hello, my dear friends. I'm Professor Vaim Khan, and today we are starting another unit of automatic control system. Today we are starting unit number 3, and it is control action and controllers and electrical systems. So this is a unit in which we are going to study the various control actions and various types of controllers and the respective electrical systems that are required for performing this control action. So this is the part 1 of this unit number 3, and we'll begin it shortly. But before proceeding to that, I'll request you to subscribe to my channel, like this video and share this video. Let us start with unit number 3. When the name controller comes to your mind, what is the answer or what is the thing that you imagine about controller? In layman's term, a controller is a something or is a device that controls something. Okay, controller वो चीज़ है जो क्या करती है, किसी चीज़ को control करती है. It controls some output, it controls some results, it controls some devices. But in the proper definition, a controller is a mechanism that seeks to minimize the difference between actual value of system, that is process variable, and desired value of the system, that is set point. Set point क्या रहता है, process variable क्या रहता है? Set point जैसे हमारा कोई system है, एक system में हमने एक specific output के लिए एक specific value हमने पुट किया है, मतलब हमने उसके ऊपर सेट किया है. जैसे अगर मुझे टेम्परेचर कंट्रोलर की अगर बात करना है, रूम टेम्परेचर कंट्रोलर की अगर मैं बात करूँ, तो रूम टेम्परेचर मैंने सेट किया है 27 डिग्री सेल्सियस पे. सो ये जो 27 डिग्री सेल्सियस, ये है मेरी डिजायर्ड वैल्यू. मुझे रूम का टेम्परेचर कितना चाहिए? 27 डिग्री सेल्सियस. सो दैट इज द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ द सिस्टम. सो इट विल बी कॉल्ड एज द सेट पॉइंट. बट इन एक्चुअल 27 डिग्री सेल्सियस मैंने सेट किया है, मुझे चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस, बट इन एक्चुअल 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा क्या? नो, इट विल बी लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम इट. वी नीड टू मेंटेन 27 डिग्री सेल्सियस. हमको क्या करना है कि 27 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है. जो मेंटेन करना है, जो हमको चाहिए, जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है, इट इज 27 डिग्री सेल्सियस. तो उसको बोलेंगे हम सेट पॉइंट. बट देर विल बी सम एक्चुअल वैल्यू इन द सिस्टम. जो टेम्परेचर है उसकी एक्चुअल वैल्यू में भी अलग रह सकती है. 27 डिग्री सेल्सियस है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है 26 है 28 है तो मैं क्या करूँगा? अगर 26 है तो टेम्परेचर बढ़ाना है तो हीटर थोड़ा सा ऑन किया जाएगा. सो 27 तक लाया जाएगा. जैसे 27 आता है मैं क्या कर दूंगा? हीटर बंद कर दूंगा. सो दिस एक्चुअल वैल्यू ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एज प्रोसेस वेरिएबल. नाउ कंट्रोलर्स आर फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ कंट्रोल इंजीनियरिंग. कंट्रोल इंजीनियरिंग मतलब क्या है? इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम. उसको ही हम कंट्रोल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं. एंड इट इज यूज्ड इन ऑल कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम्स. ये जो कंट्रोलर है, ये हर कॉम्प्लेक्स सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है. सो कंट्रोलर इज अ मैकेनिज्म दैट कंट्रोल्स योर आउटपुट. इट कंट्रोल्स योर आउटपुट बाय रेफरिंग टू द कंडीशंस. जो कंडीशंस है उसको रेफर करके वो क्या करता है कंट्रोलर? हमारे आउटपुट को कंट्रोल करता है. ऑटोमेटिक कंट्रोलर, अ डिवाइस विच विद द डिजायर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एज एन ऑटोमेटिक कंट्रोलर. यही चीज जो हम कंपेयर कर रहे हैं सेट पॉइंट एंड प्रोसेस वेरिएबल को. सो इट इज कंपेयर्ड विथ एन ऑटोमेटिक कंट्रोलर. सो इट डिटरमाइंस द डेविएशन ऑफ द सिस्टम एंड प्रोड्यूसेज द कंट्रोल सिग्नल दैट रिड्यूसेज द डेविएशन टू जीरो एंड स्मॉल वैल्यू. देखो, हमारा 27 डिग्री सेल्सियस ये हमारा डिजायर टेम्परेचर था, हमने एग्जाम्पल जो लिए. तो 27 डिग्री सेल्सियस से अगर 26 अगर हमको रीड होता है हमारे रीडर में या सेंसर में, हमको पता चलता है कि 26 डिग्री सेल्सियस है.
मैं क्या करूँगा, एक कंट्रोल एक्शन लूँगा। उस कंट्रोल एक्शन में क्या किया जाएगा, हीटर स्टार्ट किया जाएगा। ओके, और जो भी टेम्परेचर है इट वी उसको हम 27 डिग्री सेल्सियस तक आने तक हमारा हीटर क्या करेगा, उसको ऑन रखेगा। ओके, सो ये एक्शन जो हो रही है 26 से 27 पे ले जाने की, ये एक्शन है हमारा कंट्रोल एक्शन। ओके, इसमें हम कंट्रोल कर रहे हैं टेम्परेचर को। इट डिटरमाइंस द डेविएशन ऑफ द सिस्टम एंड प्रोड्यूसेस द कंट्रोल सिग्नल। ये जो सिग्नल दिया बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द टेम्परेचर 26 और 27, ये डिफरेंस की वजह से जो सिग्नल हमारे कंट्रोलर ने दिया उसको बोलते हैं कंट्रोल सिग्नल। अब ये कंट्रोल सिग्नल क्या करता है, जो डेविएशन आ रहा है दोनों पॉइंट्स में, हमारे प्रोसेस वेरिएबल में या हमारे एक्चुअल रीडिंग में और हमारे सेट पॉइंट में जो डेविएशन आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, इट इज़ रिड्यूस टू 0 और एज स्मॉल एज पॉसिबल। मतलब 27 और ये 26 में जो 1 डिग्री सेल्सियस का डेविएशन है या डिफरेंस है, ये डेविएशन हमने क्या किया है, 0 किया है। कैसा किया है, बाय कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल दिया तो 26 डिग्री सेल्सियस पे आ गया था, मुझे डिजायर 27 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ रूम का। सो ऑटोमेटिकली 27 डिग्री सेल्सियस पे वो आने तक हीटर चालू रहेगा। ओके, सो द डेविएशन विल बी रिड्यूस टू 0। ओके, द मैनर इन विच द ऑटोमेटिक कंट्रोलर प्रोड्यूसेस कंट्रोल सिग्नल इज कॉल्ड एज कंट्रोल एक्शन। ये जो सब प्रोसेस हुई कंट्रोल सिग्नल प्रोसेस, कंट्रोल सिग्नल प्रोड्यूस करने की बाय द कंट्रोलर, देन ये कंट्रोल सिग्नल से जो डिफरेंस है वो कम करने की, सो ये सब प्रोसेस को हम बोलते हैं कंट्रोल एक्शन। ओके, इस चीज़ को बोला जाता है कंट्रोल एक्शन। सो दिस इज हाउ अ कंट्रोलर वर्क्स इन जनरल प्रोसेसेस। ओके, लेट अस स्टडी द एलिमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेटिक कंट्रोल, ऑटोमेटिक कंट्रोलर्स। ओके, एक एग्जाम्पल हम लेंगे जिसके अंदर, एग्जाम्पल के बजाय एक जनरल डायग्राम लेंगे जिसके अंदर हम क्लोज लूप फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, सो इसमें हम देखेंगे कि कंट्रोलर कैसा एक्शन लेता है, कैसा ये कंट्रोलर जो है उसका आउटपुट को कंट्रोल करता है। ओके, यहाँ पर देखो एक कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर क्या कर रहा है, इस प्लांट के आउटपुट को कंट्रोल कर रहा है। किसके आउटपुट को, प्लांट के आउटपुट को कंट्रोल कर रहा है। जो भी प्लांट का आउटपुट है उसको रीड किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस फीडबैक सिस्टम। ओके, सो देयर इज अ कंट्रोलर, देयर इज अ प्लांट, देयर इज अ फीडबैक एलिमेंट प्रेजेंट इन इट, एंड दिस फीडबैक एलिमेंट विल जनरेट मेजर्ड आउटपुट एंड विल फीड इट टू द कंट्रोलर। ओके, सो एरर डिटेक्टर को वो क्या करेगा, कंट्रोलर के एरर डिटेक्टर को वो फीडबैक एलिमेंट सिग्नल देगा। नाउ दिस कंट्रोलर इज हैविंग एन इनपुट कॉल्ड एज एरर। इसका जो इनपुट है वो कैसा दिया है, यहाँ पर एरर बोल के दिया है। अब ये एरर प्रोड्यूस कैसा होता है, ये एरर जो है इट इज अ सिग्नल। एरर मीन्स यहाँ पर एरर सिग्नल दिया जा रहा है। एरर सिग्नल जरूरी नहीं है कि वो गलत वाला रहेगा। ओके, सो हियर ओनली नेम मीन्स एरर सिग्नल, मतलब क्या है, वो करेक्टिव सिग्नल है। ओके, उसको करेक्ट किया गया है, एरर सिग्नल। द इनपुट ऑफ कंट्रोलर इज द एरर एंड द कंट्रोलर आउटपुट इज एन एक्चुएशन सिग्नल। जो भी कंट्रोलर है इसके ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सो इसका इनपुट क्या है, एरर सिग्नल है, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय कंपेयरिंग द सेट पॉइंट वैल्यू और द सेट पॉइंट सिग्नल जो रहेगा। मतलब जैसे मैंने 27 डिग्री सेल्सियस बोला, ओके, सो 27 डिग्री सेल्सियस विल बी द सेट पॉइंट वैल्यू, एंड जो फीडबैक से मुझे मिलेगा, जो एक्चुअल वैल्यू मुझे समझ में आएगी फीडबैक एलिमेंट से, सो दैट वैल्यू। ओके, सो दिस मेजर्ड आउटपुट, सो दिस मेजर्ड आउटपुट व्हेन कंपेयर्ड विद सेट पॉइंट इट विल प्रोड्यूस अ डिफरेंस और अ सिग्नल दैट विल बी द एरर सिग्नल। वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक एरर सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, एंड दैट विल बी गिवन टू द कंट्रोलर। नाउ बेस्ड ऑन द एरर सिग्नल द कंट्रोलर विल प्रोड्यूस सम कंट्रोल्ड आउटपुट। ओके, दिस कंट्रोल्ड आउटपुट इज कॉल्ड एज एक्चुएशन सिग्नल फॉर दिस प्लांट। इस प्लांट के लिए वो एक्चुएटिंग चालू करने वाला सिग्नल रहेगा। ओके, नाउ बेस्ड ऑन दिस सिग्नल द प्लांट विल परफॉर्म सम एक्शन, एंड दैट एक्शन विल बी द प्लांट आउटपुट। वो रहेगा उसका प्लांट आउटपुट। ओके, अब इस सब के बीच में कुछ डिस्टर्बेंसेस रहेंगे,
दैट विल कॉज द चेंज इन द एक्चुअल वैल्यू दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड द रिक्वायर्ड वैल्यू दैट इज द सेट पॉइंट. ओके, सो द इनपुट ऑफ द कंट्रोलर इज एरर एंड द कंट्रोलर आउटपुट इज एन एक्चुएशन सिग्नल विच इज सेंड टू द एक्चुएटर. द कंट्रोल्ड वेरिएबल इज फर्दर मेजर्ड विद अ सेंसर. ओके, हियर देर इज अ सेंसर विच इज रीडिंग द आउटपुट. ओके, एंड द इंफॉर्मेशन इज फीडबैक टू द कंट्रोलर. और जो भी इंफॉर्मेशन आई है, जो भी रीडिंग है, वो वापस से हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोलर को फीड कर रहे हैं विद दिस एरर डिटेक्टर. द डिफरेंस बिटवीन सेट पॉइंट एंड द प्लांट आउटपुट मेजर ऑकर्स बिकॉज ऑफ दिस डिस्टर्बेंस. ओके, बिकॉज ऑफ दिस डिस्टर्बेंस. ओके, विच अफेक्ट्स द प्लांट प्रोसेस. जो प्लांट प्रोसेस को क्या करता है, अफेक्ट करता है. द कंट्रोलर का यहाँ पर रोल क्या है, वी हैव टू ओवरकम दीज डिस्टर्बेंसेस. ओके, द रोल ऑफ कंट्रोलर टू रिजेक्ट दीज डिस्टर्बेंसेस एंड कीप द प्लांट आउटपुट दैट इज द कंट्रोल्ड वेरिएबल टू द प्री डिफाइंड सेट पॉइंट. ये कंट्रोलर का काम ये है कि जो भी डिस्टर्बेंसेस आने वाले हैं, जो भी डिफरेंसेस प्रोड्यूस होने वाले हैं हमारे प्लांट आउटपुट और सेट पॉइंट में, इस डिस्टर्बेंसेस को, इन डिफरेंसेस को रिड्यूस करना टू जीरो और टू अ स्मॉलर वैल्यू. ओके, एंड कीप द प्लांट आउटपुट एज इक्वल टू द एज सेट पॉइंट. मतलब सेट पॉइंट की वैल्यू तक उसको क्या करना, जो है हमारे मेंटेन करना, दैट इज द मेन रोल ऑफ द कंट्रोलर. ओके, फिर से एक बार छोटे से एडवाइस करता हूँ. कंट्रोलर है, उसको एरर सिग्नल दिया जाएगा. एरर सिग्नल विल बी द डिफरेंस बिटवीन सेट पॉइंट एंड द मेजर्ड आउटपुट. जो भी आउटपुट मेजर किया है इस फीडबैक एलिमेंट ने वो, ओके, उसके बेसिस पर एरर सिग्नल कंट्रोलर को दिया जाएगा. कंट्रोलर क्या करेगा, एक आउटपुट जनरेट करेगा दैट विल बी गिवन टू द प्लांट एज एन एक्चुएशन सिग्नल. एक्चुएशन सिग्नल देने पर प्लांट उसमें करेक्टिव एक्शन लेगा एंड दैट प्लांट आउटपुट विल बी अगेन रेड हियर. उसको फिर से यहाँ पर रीड किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ सेंसर. ओके, एंड दिस होल थिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंसेस. जैसे प्लांट हमारा है हीटर. ओके, सो हीटर अगर मैं बोलूँ तो 27 डिग्री सेल्सियस पे मैंने उसको सेट पॉइंट दिया था. अब डिस्टर्बेंस क्या है, डिस्टर्बेंस ये है कि 26 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर हो गया है रूम का. ओके, बिकॉज ऑफ दिस देर इज डिफरेंस इन द सेट पॉइंट एंड द डिजायर्ड आउटपुट. डिजायर्ड आउटपुट और जो एक्चुअल आउटपुट है इसमें क्या आ रहा है, मेजर्ड आउटपुट और डिजायर्ड आउटपुट में डिफरेंस आ रहा है. ओके, सो देयरफॉर एक फीडबैक एलिमेंट उसको रीड करेगा, उसके बेसिस पर एक कंट्रोलर एरर सिग्नल से एक कंट्रोल्ड आउटपुट जनरेट करेगा और प्लांट को समझ में आएगा कि यार टेम्परेचर कम हो गया है, तो हीटर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा. हेंस दिस डिस्टर्बेंस विल बी रिड्यूस टू जीरो. इसको क्या कर लिया है, विद द हेल्प ऑफ दिस कंट्रोल एक्शन वी हैव रिड्यूस दिस डिस्टर्बेंस टू जीरो. ओके, नाउ अगेन 27 डिग्रीज पर आ गया प्लांट का टेम्परेचर, सो ऑटोमेटिकली हीटर क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा. ओके, हीटर टर्न ऑफ हो गया मतलब हीटर बंद हो जाएगा एंड देन अगेन फीडबैक एलिमेंट रीड करेगा कि 27 डिग्री सेल्सियस है. ओके, सो ओके में एरर सिग्नल वापस जनरेट होगा, तो कंट्रोलर को अभी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कंट्रोलर उसके आउटपुट से कोई भी एक्शन नहीं लेगा एंड हेंस प्लांट 27 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रहेगा, हीटर बंद हो जाएगा. जैसे ही टेम्परेचर कम होगा वापस से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, वापस से हीटर ऑन होगा. सो दिस इज हाउ एन इंडस्ट्रियल कंट्रोलर, ऑटोमेटिक कंट्रोलर वर्क्स. इन एन इंडस्ट्रियल प्लांट, कोई भी एक इंडस्ट्रियल प्लांट में अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हैज द रोल ऑफ कीपिंग अ मेजर्ड फिजिकल सिग्नल टू अ प्रीडिफाइंड वैल्यू. दिस इज योर मेजर्ड फिजिकल सिग्नल. दिस इज द मेजर्ड फिजिकल सिग्नल हियर. ये जो मेजर किया जा रहा है, ओके, दिस इज टू बी केप्ट इक्वल टू द सेट पॉइंट. ये मेजर्ड आउटपुट ये है हमारा एक्चुअल आउटपुट और हमको इसे इक्वल रखना है टू द सेट पॉइंट. सेट पॉइंट यानी हमारा डिजायर्ड आउटपुट. तो हमारा डिजायर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में हमको कम से कम डिफरेंस चाहिए. ओके, सो इस कम से कम डिफरेंस रखने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं.
द फिजिकल सिग्नल ऑल्सो कॉल्ड एज कंट्रोल्ड वेरिएबल कैन बी ऑफ एनी काइंड. इलेक्ट्रिकल रह सकता है, ये फिजिकल सिग्नल कोई भी रह सकता है. इट कैन बी इलेक्ट्रिकल, इट कैन बी मैकेनिकल, इट कैन बी हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, थर्मल, वॉट एवर. ओके, सो दिस बेस्ड ऑन दिस कंट्रोल्ड वेरिएबल वी टेक द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड आउटपुट एंड द प्री डिफाइंड वैल्यू दैट इज सेट पॉइंट. ओके, सो द डिफरेंस बिटवीन दिस मेजर्ड आउटपुट एंड दिस सेट पॉइंट इज कॉल्ड एज एरर. ओके, इज कॉल्ड एज एरर. ओके, देर आर डिफरेंट कंट्रोलर्स विच आर क्लासिफाइड एज फॉलोज. दे आर रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग दिस कंट्रोल एक्शन. ये जो कंट्रोल एक्शन परफॉर्म हम कर रहे हैं, इट इज परफॉर्म्ड बाय कंट्रोलर. सो बेस्ड ऑन द दे आर यू कैन से बेस्ड ऑन द कंट्रोल एक्शन दीज कंट्रोलर्स आर क्लासिफाइड एज ऑन ऑफ कंट्रोलर. जो मैंने अभी एग्जाम्पल में इस्तेमाल किया, जो हीटर रूम हीटर का है. ओके, सो दैट इज एन ऑन ऑफ कंट्रोलर. देन देर इज प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, देर इज इंटीग्रल कंट्रोलर, देर इज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू, प्रोपोर्शनल एंड इंटीग्रल. देन देर इज प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोलर. ओके, देन देर इज प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोलर. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ देन देर इज डेरिवेटिव कंट्रोलर. ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोलर्स. ओके, बेस्ड ऑन देयर कंट्रोल एक्शन. ओके, फॉर एग्जाम्पल ऑन ऑफ कंट्रोलर में क्या होगा, जो भी एरर है इस एरर सिग्नल के बेसिस पर कंट्रोलर क्या करेगा, हमारे प्लांट को या हमारे सिस्टम को ऑन या ऑफ करेगा. अगर टेम्परेचर कम हो गया है तो रूम टेम्परेचर अगर कम हो गया है, मुझे क्या करना है, उसे बढ़ाना है, तो हीटर को वो क्या कर देगा, ऑन कर देगा. अगर मेरा डिजायर्ड वैल्यू रीच हो गया है तो मैं क्या कर दूंगा, उस हीटर को ऑफ कर दूंगा. सो दिस ऑन ऑफ. ओके, सिर्फ ऑन ऑफ करने का काम ये ऑन ऑफ कंट्रोलर करता है. सो दिस इज द कंट्रोल एक्शन ऑफ दिस कंट्रोलर. सिमिलरली प्रोपोर्शनल अगर है तो प्रोपोर्शनल में जो भी आउटपुट रहेगा, इट विल बी इन प्रोपोर्शन टू द इनपुट. जो भी इनपुट है उसके प्रोपोर्शन में क्या मिलेगा, मुझे आउटपुट मिलेगा. सो दिस इज अ सिंपल जस्ट अ लिटिल बिट ओवरव्यू ऑफ दिस कंट्रोलर्स. हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे ही, बट लेट अस बिगिन विथ ऑन ऑफ कंट्रोलर. ओके, सो ऑन ऑफ कंट्रोलर इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोलर. सबसे सिंपल फॉर्म का कंट्रोलर है, विच स्विचेस ऑन द वो स्विच ऑन करता है जब उसको एरर सिग्नल पॉजिटिव मिलता है, वो स्विच ऑफ करता है जब उसको एरर सिग्नल जीरो या नेगेटिव मिलता है. अब ये जीरो और नेगेटिव मतलब क्या है, कि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द डिजायर्ड वैल्यू एंड द आउटपुट वैल्यू. ओके, सो डिजायर्ड वैल्यू और आउटपुट वैल्यू में अगर जीरो आ रहा है, एरर जीरो आ रहा है बिकॉज ऑफ देर इज नो डिफरेंस इन डिजायर्ड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट, सो दिस विल स्विच ऑफ द प्लांट. उसको प्लांट को क्या कर देगा, वो स्विच ऑफ कर देगा. एंड इन केस देर इज डिफरेंस विच इज पॉजिटिव, मतलब जो डिजायर्ड आउटपुट है और जो एक्चुअल आउटपुट है, इसमें अगर डिफरेंस आता है पॉजिटिव, सो ये ऑन ऑफ कंट्रोलर क्या करेगा, इट विल स्विच ऑन द प्लांट. अब प्लांट क्या है, हमने एग्जाम्पल देखा है, वो जो रूम हीटर का है, तो हीटर ऑन हो जाएगा जब डिफरेंस आएगा पॉजिटिव, हीटर बंद हो जाएगा जब डिफरेंस आएगा जीरो या नेगेटिव. ओके, सो एन ऑन ऑफ कंट्रोलर डजेंट हैव इंटरमीडिएट. इसके बीच में ऐसा इंटरमीडिएट कोई भी सिग्नल नहीं है, इसके दो ही सिग्नल है, ऑन या फिर ऑफ. ओके, सो इसमें ऐसा नहीं है कि फुल्ली ऑन, पार्शली ऑफ, फुल्ली फुल्ली ऑफ, ऐसा इसके बीच में का कोई भी स्टेट प्रेजेंट नहीं है. ड्यू टू स्विचिंग लॉजिक, मतलब ऑन ऑफ ये जो लॉजिक है, ये जो स्विचिंग लॉजिक है, एंड ऑन ऑफ कंट्रोलर इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैंग बैंग कंट्रोलर, बिकॉज इट्स बैंग या टक टक ऐसी जो आवाज आती है, बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड एज बैंग बैंग कंट्रोलर और टू स्टेप कंट्रोलर. जैसे हमारे घर के स्विचेस रहते हैं. ओके, इस तरीके का ही ये फंक्शन करता है, बट इट इज एन ऑटोमेटिक फंक्शनिंग. ये इसका जो फंक्शन है ये ऑटोमेटिक है. हमारे घर के स्विच, अगर हमको फैन चालू करना है तो हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं. ऑन करते हैं मतलब चालू हो जाता है फैन. ओके, जब हमको बंद करना है हम बंद कर देते हैं. ओके, बट यहाँ पर ये जो है, ये हमारा फीडबैक एलिमेंट है, इसके लिए इसमें ऑटोमेटिक कंट्रोल एक्शन होगा. तो यहाँ पर ऑन ऑफ करने का काम हम करने की बजाय क्या कर रहे हैं, एक कंट्रोलर कर रहा है. ओके,
रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द एरर द आउटपुट इज ऑलवेज ऑन और ऑफ। ओके, इसमें प्रोपोर्शन नहीं रहेगा और कम ज़्यादा का वैल्यू इसमें झंझट नहीं रहेगी। फिर आपका सिग्नल कितना कम है कितना ज़्यादा है उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर मैंने 27 डिग्री सेल्सियस सेट किया है तो 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा भी हो गया और कम भी हो गया, फिर वो कितना ज़्यादा हुआ है कितना कम हुआ है इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ओके, सो अगर 24 डिग्री सेल्सियस हुआ तो भी ऑन हो जाएगा, 28 डिग्री सेल्सियस हुआ तो भी वो ऑफ रहेगा, 26 हुआ तो भी ऑन हो जाएगा, 25 हुआ तो भी ऑन हो जाएगा, 26.5 हुआ तो भी ऑन हो जाएगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द एरर। ओके, सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द टेम्परेचर कंट्रोलर ऑफ एन इंडस्ट्रियल ओवन। ऑन ऑफ कैसे वर्क करता है ऑन ऑफ कंट्रोलर। सो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे इंडस्ट्रियल ओवन का। ये इंडस्ट्रियल ओवन जो है दिस इज अ प्लांट ऑफ अवर फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। देखो ये जो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम देखे ना हमने, इसमें ये प्लांट, ये फीडबैक, ये कंट्रोलर, ये एलिमेंट्स आपको ध्यान में रखना है। ये प्लांट क्या है अभी यहाँ पर इंडस्ट्रियल ओवन है। ओके, फीडबैक क्या है वो भी देखेंगे, कंट्रोलर क्या है वो भी देखेंगे। ओके, सो ये ऑन ऑफ स्विच जो है दिस इज द कंट्रोलर हियर। ओके, नाउ दिस थर्मोस्टैट और दिस सेंसर, ये जो पार्ट दिख रहा है दिस इज द सेंसर। ये वो सेंसर है जो हमारा डिजायर्ड, हमारा जो एक्चुअल आउटपुट है उसको क्या कर रहा है, सेंस कर रहा है। देखो ये ओवन है, इस ओवन में कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर मुझे मेंटेन करना है, सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस होगा। सो आई हैव टू मेंटेन 100 डिग्री सेल्सियस इन दिस ओवन। सो ये 100 डिग्री सेल्सियस ये मेरा सेट पॉइंट हो गया, ये है मेरा डिजायर्ड आउटपुट। ओके, इफ द डिजायर्ड आउटपुट इज लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस दिस कंट्रोलर शुड स्विच ऑन द हीटर्स। इन्होंने क्या करना चाहिए, जो हीटर्स है इसके अंदर ओवन में उसको क्या करना चाहिए, कंट्रोलर ने ऑन करना चाहिए। ओके, अगर ये 100 डिग्री से ज़्यादा हो गया, ये 100 डिग्री पे आ गया, तो इसने क्या करना चाहिए, हीटर्स को ऑफ कर देना चाहिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेंटेन 100 डिग्री सेल्सियस इन साइड दिस प्लांट या इन साइड दिस ओवन। ओके, अब ये सब चीज़ें कैसी फंक्शन करेंगी, दिस इज प्लांट, यहाँ पर ये थर्मोस्टैट लगे रहेगा जो सेंसर का काम करेगा, दिस विल रीड द टेम्परेचर हियर इन साइड द ओवन। ओवन के अंदर अगर 100 डिग्री सेल्सियस है सो इट विल जनरेट अ सिग्नल दैट विल से इट इज 100 डिग्री सेल्सियस। सो दिस सिग्नल विल बी गिवन, दिस टेम्परेचर फीडबैक विल बी गिवन टू द कंट्रोलर। बेस्ड ऑन दिस सिग्नल द कंट्रोलर विल टेक एक्शन ऑफ टर्निंग ऑन ऑफ और टर्निंग ऑफ दिस ओवन। ये ओवन को चालू करना या बंद करने का काम ये कंट्रोलर करेगा बेस्ड ऑन दिस सिग्नल। इफ द टेम्परेचर इज लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस इट विल जनरेट अनदर सिग्नल, दिस विल बी गिवन बैक टू द कंट्रोलर। ओके, कंट्रोलर में 90 डिग्री सेल्सियस, 99 डिग्री सेल्सियस रीडिंग आ रही है, कंट्रोलर को सिग्नल आ रहा है। देयरफॉर इसको हमने सेट पॉइंट क्या दिया है, 100 डिग्री सेल्सियस दिया है। देयरफॉर देयर इज डिफरेंस बिटवीन सेट पॉइंट एंड द एक्चुअल इन आउटपुट। सो द कंट्रोलर विल स्विच ऑन द ओवन एंड इट विल बी केप्ट ऑन अंटिल इट्स टेम्परेचर रीचेस टू 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, दिस इज हाउ दिस फीडबैक सिस्टम वर्क। इफ यू कंपेयर दिस सिस्टम विद द जेनेरिक क्लोज लूप सिस्टम, सो दिस ओवन इज नथिंग बट प्लांट, योर कंट्रोलर इज हियर, द स्विच दैट इज ऑन ऑफ, दैट इज टर्निंग ऑन, दैट इज टर्निंग ऑफ द ओवन। ओके, एंड फीडबैक इज नथिंग बट द टेम्परेचर फीडबैक दैट इज बींग रेड बाय दिस थर्मोस्टैट और दिस दिस सेंसर एंड इज गिवन बैक टू द कंट्रोलर। ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑन ऑफ कंट्रोलर। द टेम्परेचर इन साइड ओवन इज मेजर्ड विद द सेंसर, इट इज फीडबैक टू द कंट्रोलर बेस्ड ऑन द एरर सिग्नल दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट पॉइंट टेम्परेचर एंड द मेजर टेम्परेचर। द हीटिंग एलिमेंट्स दैट इज द हीटर्स प्रेजेंट इन द ओवन विल be turned on or will be turned off by the controller. There is no intermediate values of the heating element. They are fully on, they are fully, either they are fully on or either they are fully off. Okay. Then there is some important thing that we need to study about this on-off controller. Okay. The industrial oven has two important characteristics which need to be studied very carefully. दो चीज़ें हैं जो हमको स्टडी करना है। पहला है डेड टाइम।
और दूसरा है कैपेसिटेंस, या जिसको बोल रहे हैं हम इनर्शिया। इन मोस्ट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम्स, बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम में ये चीज़ होती है विथ फीडबैक लूप। जो फीडबैक लूप वाले हैं, जो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है, द सिस्टम कैन नॉट रिस्पॉन्ड इंस्टेंटली। देखो ये 99 डिग्री सेल्सियस हो चुका है एंड दिस रीडिंग, ये रीडिंग को इस टेम्परेचर तक, सेंसर तक रीड करने तक कुछ समय लगेगा। साथ ही साथ में ये सेंसर रीड करने पर जो सिग्नल जनरेट करेगा, इसको कंट्रोलर तक जाने तक कुछ समय लगेगा। इस समय के दौरान जो टेम्परेचर है ये और कम होने वाला है, बराबर है, इसमें और चेंजेस आने वाले हैं। तो ये चेंजेस जो है, ये चेंजेस यहाँ पर क्या हो जा रहे हैं, इस सिग्नल के दौरान मिस हो रहा है, बराबर है। सो दिस इज सम टेकिंग सम टाइम टू रीच द कंट्रोलर, ओके। और कंट्रोलर को फिर एक्शन लेने में कुछ समय लग रहा है, जब तक इसमें और टेम्परेचर में चेंजेस आ सकते हैं, ओके। अब इससे हमारे इस पे सिस्टम पे कैसा इफेक्ट होगा, या हमारे आउटपुट पे कैसा इफेक्ट होगा। सो मोस्ट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम फीडबैक लूप वाली, द सिस्टम कैन नॉट रिस्पॉन्ड इंस्टेंटली। ये सिस्टम्स जो है, इट डज नॉट रिस्पॉन्ड इंस्टेंटली टू एनी डिस्टर्बेंसेस। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिस्टर्बेंस, ओके। जो आउटपुट और इनपुट में जो डिफरेंस आ रहा है, दैट इज नथिंग बट योर डिस्टर्बेंस, सॉरी, आउटपुट और जो डिजायर्ड वैल्यू है, इसमें जो डिफरेंस आ रहा है, दैट इज द डिस्टर्बेंस। एंड इट टेक्स टाइम, इट टेक्स सम डीले अंटिल द कंट्रोलर आउटपुट हैज एनी इफेक्ट ऑन द मेजर्ड आउटपुट। ये जो डीले मुझे देखने मिल रहा है, यहाँ पर रीड करूंगा, यहाँ से पास सिग्नल जनरेट करूंगा, कंट्रोलर को दूंगा, कंट्रोलर फिर एक्शन लेगा, इस दौरान जो डीले आ रहा है, ओके, जो डीले आ रहा है, इस डीले को बोला जाता है डेड टाइम। इस डीले को क्या बोलते हैं हम, डेड टाइम। इट इज द टाइम दैट इज टेकन, सॉरी, इट इज द टाइम बिटवीन, इट इज द डीले टाइम, ओके, बिटवीन द जनरेटेड सिग्नल, जनरेटेड फीडबैक सिग्नल एंड द कंट्रोल एक्शन टेकन टाइम। मतलब जो जो आप जनरेट कर रहे हैं सिग्नल, इसका समय और कंट्रोल एक्शन जब हो रही है, इसके बीच का जो टाइम है, दैट टाइम इज नथिंग बट योर डेड टाइम। इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल ओवन, इफ द एक्सेस डोर इज ओपन, अगर एक्सेस डोर ओपन किया आपने, टेक्स टाइम अंटिल द टेम्परेचर ड्रॉप्स, उसको कुछ समय लगेगा टेम्परेचर ड्रॉप होने को, ओके। देन द कंट्रोलर विल सेंस द डिफरेंस, देन विल टर्न ऑफ, टर्न ऑन द हीटर्स, उसको टर्न ऑन करेंगे एंड देन टेम्परेचर इज ब्रॉड बैक टू द एक्चुअल सेट ऑफ सेट पॉइंट, ओके। ये सब जो समय लग रहा है, इसको हम बोलते हैं डेड टाइम। डेड टाइम हैज द इफेक्ट ऑफ हाइडिंग द डिस्टर्बेंसेस। डेड टाइम में क्या होता है, देखो, डिस्टर्बेंसेस हाइड हो जाते हैं। हाइड होते मतलब कैसा, ये टेम्परेचर सेंसर है, ये सेंसर क्या कर रहा है, डिफरेंस सेंस कर रहा है। इसने डिफरेंस सेंस करा कि यहाँ से सिग्नल जनरेट होगा, फीडबैक को जाएगा, फीडबैक एलिमेंट से कंट्रोलर को जाएगा, और कंट्रोलर क्या करेगा, एक्शन लेगा। जब तक ये सिग्नल कंट्रोलर तक पहुंच रहा है और कंट्रोलर एक्शन ले रहा है, यहाँ पर कुछ डिफरेंस और क्रिएट हो रहा है टेम्परेचर में। देर इज सम मोर डिफरेंस क्रिएटेड हियर, यहाँ पर डिस्टर्बेंस और क्रिएट हो रहा है। इस दौरान टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, बट सिंस दिस सिग्नल हैज बिन ऑलरेडी जनरेटेड, दिस पार्ट इज नॉट सेंस्ड और दिस डिस्टर्बेंस इज नॉट रेड प्रॉपरली बाय द सेंसर, ओके। ये हमारे सिस्टम के बीच का जो जो डिफरेंस है, ये रीड नहीं कर पाया है अभी तक सेंसर, ओके। एंड बिकॉज ऑफ दैट, जो भी डिस्टरबेंस क्रिएट होगा सिग्नल जनरेट होने के बाद, वो क्या हो जाएगा, हमारे डेड टाइम की वजह से हाइड हो जाएगा। हाइड हो जाएगा मतलब वो ऑटोमेटिकली वो रीड नहीं हो पाएगा, ओके। डिस्टरबेंसेस, द डेड टाइम हैज द इफेक्ट ऑफ हाइडिंग द डिस्टरबेंसेस फ्रॉम द कंट्रोलर एंड लिमिट्स इट्स एबिलिटी टू रिएक्ट क्विकली। उतना जल्दी वो हमारा कंट्रोलर रिएक्ट नहीं कर सकता। व्हाट इज द कैपेसिटेंस? द कैपेसिटेंस ऑफ अ सिस्टम इज सीन एज द रेजिस्टेंस टू चेंजिंग इनपुट्स। इनपुट्स चेंज करने को रेजिस्टेंस रहता है, ये हमारा कैपेसिटेंस, ओके। द हायर द कैपेसिटेंस ऑफ अ सिस्टम, द लॉन्गर द टाइम इट टेक्स टू रिएक्ट टू द चेंजेस। इट विल टेक सम टाइम टू रिएक्ट टू द चेंजेस दिस कंट्रोलर, ओके। दिस कंट्रोलर विल हैव सम कैपेसिटेंस, दैट इज द रेजिस्टेंस टू द
चेंजेस, जो चेंजेस आ रहे हैं इसको जो रेजिस्टेंस है ये कंट्रोलर का, दैट इज नथिंग बट कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंट्रोलर. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस कैपेसिटेंस जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा इस कंट्रोलर को रिएक्ट करने को. ओके, एंड विद द ओवन कोल्ड, इवन इफ टर्निंग द हीटर्स ऑन, टेक्स टाइम फॉर द टेम्परेचर टू स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड रीच द नॉमिनल वैल्यू. अगर यहाँ पर कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो जितना डिफरेंस इसमें क्रिएट होगा उतना, सॉरी, अगर इसका कैपेसिटेंस है, इस कंट्रोलर का कुछ कैपेसिटेंस है जो कि ज़्यादा है, तो मेरे जो चेंजेस रहेंगे वो उतना कम उन चेंजेस को रिएक्ट करेगा और उतना ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे हीटर को ऑन करने में. ओके, और उतना ज़्यादा टाइम लगेगा इस ओवन के टेम्परेचर को बढ़ाने में. ओके, सो दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ योर कैपेसिटेंस. इसका एक एडवांटेज है दैट कैपेसिटेंस हैज़ द टेंडेंसी टू फिल्टर और डैम्पन आउट द इफेक्ट ऑफ डिस्टर्बेंसेस ऑन अ सिस्टम. ये क्या करता है कि कई बार कैपेसिटेंस की वजह से जो हमारे डिस्टर्बेंस के इफेक्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, डैम्पन हो जाते हैं, क्योंकि ये जितना टाइम लेगा उतना इसमें चेंजेस आएंगे और उतना ही ज़्यादा इसका जो कंट्रोलर का टेम्परेचर है वो ज़्यादा हमको लगेगा. सेट पॉइंट वैल्यू और इसके बीच में डिफरेंस ज़्यादा रहेगा तो ऑटोमेटिकली हीटर उतने ज़्यादा देर तक चलेंगे. ओके, हीटर ऑटोमेटिकली ज़्यादा देर तक चलेंगे, मतलब क्या होगा कि जो डिफरेंस है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस कैपेसिटेंस. ओके, सो दिस इज अबाउट द थेरोटिकल पार्ट. लेट अस कम टू सम इक्वेशंस. इन थेरी ऑफ कंट्रोल सिस्टम द इंडस्ट्रियल ओवन इज डिफाइंड एज फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस विथ डेड टाइम. द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस विद डेड टाइम इज गिवन बाय एच ऑफ एस, और यू ऑल्सो से इट जी ऑफ एस, इज इक्वल्स टू के, दैट इज द गेन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गेन कॉन्स्टेंट, डिवाइडेड बाय टी इंटू सॉरी डिवाइडेड बाय टी एस प्लस वन ई रेस टू माइनस टी एस. सो दिस टी और दिस दिस इज ई रेस टू माइनस टाउ एस. दिस टाउ इज नथिंग बट डेड टाइम, दिस टी इज नथिंग बट टाइम कॉन्स्टेंट. ओके, एंड दिस के इज नथिंग बट गेन. ओके, सो गेन कॉन्स्टेंट, द टाइम कॉन्स्टेंट इज अ मेजर ऑफ द कैपेसिटेंस, वो कैपेसिटेंस का मेजर है. एंड द हायर द टाइम कॉन्स्टेंट द लॉन्गर इट टेक्स टू द रिएक्शन टू द चेंजिंग इनपुट्स और डिस्टर्बेंसेस. जितना ज़्यादा ये टी रहेगा उतना ज़्यादा टाइम मुझे लगेगा चेंजिंग इनपुट्स को या डिस्टर्बेंसेस को रिमूव करने के लिए. ओके, सो दिस इज अबाउट ऑन ऑफ कंट्रोलर एंड कंट्रोलर्स. इन नेक्स्ट वीडियो विल स्टडी अबाउट द रिमेनिंग टाइप ऑफ कंट्रोलर्स. टिल देन प्लीज स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड कीप लर्निंग.